नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें श्रवण जी देश के जाने माने पत्रकार संपादक अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर बातचीत करेंगे कैसे ही विषय पर। दरअसल पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला, उसके बाद बहुत सारी चर्चा भारतीय जनता पार्टी को लेकर हुई। क्यों उनको बहुमत नहीं मिला, बहुमत का कारण क्या है, आरएसएस प्रमुख ने जिस तरीके से उनके ऊपर हमले किए, तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। इस बीच एक बड़ी बात यह हुई थी कि कांग्रेस पार्टी को काफी बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन ये कह सकते हैं कि 2019 और 2014 का जो उनका परफॉर्मेंस था उसके आधार पर अगर हम देखें तो काफी ठीक ठाक सफलता उनको मिली है और 99 सीटें उनके पास है। एक सीट मैं इसलिए कम कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े थे और एक जगह उनको वो सीट छोड़नी होगी। तो क्या ये इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी अपने अस्तित्व की संकट से गुजर रही है, क्या उससे उबर चुकी है? पहला सवाल तो अपने आप में यही है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर, क्या ये माना जा सकता है कि अब कांग्रेस पार्टी अपने रिवाइवल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि न केवल उनकी सीटें बढ़ी बल्कि उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, उनके सामाजिक आधार को बदलने की कोशिश की है और उसमें एक बहुत ही सुविचारित सुस्पष्ट तरीके से पार्टी की दिशा तय करने की कोशिश की है, उससे क्या कोई उम्मीद जगती है या नहीं जगती? और इस बीच जो सबसे बड़ी बात हुई है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम गया है वो ये कि सीएसडीएस का एक सर्वे उत्तर प्रदेश को लेकर आया है और उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसको बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रियता राहुल गांधी की है। प्रधानमंत्री के तौर पर 36% लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को सिर्फ 32%। और उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है तो फिर आने वाले समय के लिए राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन माना जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? श्रवण जी से जानते हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर बातें चर्चाएं हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था इकोनॉमिक टाइम्स का, कैसे राहुल गांधी ने पूरा नैरेटिव इस चुनाव का सेट किया, क्या कहना आपका? आपने तीन चीजें कही है। पहली चीज ये कि कांग्रेस के अस्तित्व का संकट खत्म हो गया क्या? वो खत्म हो गया। दूसरा आपने कहा कि राहुल गांधी ने, हालांकि वो तीसरा कहा पर मैं उसको दूसरे पर ला रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स का कि नैरेटिव सेट किया है। वो ठीक, बिल्कुल सही है, नैरेटिव सेट किया। नैरेटिव सेट नहीं किया, नैरेटिव को चेंज कर दिया। जो पिछले 10 सालों से नैरेटिव चल रहा था और नैरेटिव्स प्रधानमंत्री मोदी सेट कर रहे थे और विपक्ष उस नैरेटिव को फॉलो कर रहा था, अब ये हो गया कि नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को उस पर डांस करना पड़ रहा। तीसरा जो आपने दूसरा कहा और मैंने तीसरा बनाया वो ये कि क्या कांग्रेस का जो की जो पास्ट ग्लोरी है वो वापस आ गई क्या? आपको लग रहा है कि आ गई? मेरा मानना है कि उसको वापस आने में अभी 10 साल और लगेंगे और राहुल गांधी तब तक प्रतीक्षा करते करते बुड्ढे हो जाएंगे। एक मैं आपको फिगर बताता हूं कि पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें 337 337 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये इसकी 128 सीटों में केवल 3 सीट्स मिली हैं। स्ट्राइक रेट जो है वो 1.5% है। यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र की 209 सीटें 209 उसमें से सिर्फ 23 सीटें मिली है, 8.5 स्ट्राइक रेट। इन दोनों को मिला लें आप तो 337 सीटें होती हैं और उनमें कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली है।
जो बल्क है कांग्रेस का वो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, उसकी 104 सीटों में से 40 सीटें, और झारखंड, असम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की 76 सीटों में 25 सीटें। बाकी जो 7-8 सीटें हैं वो यूनियन टेरिटरीज और दूसरी जगह से छोटे राज्यों से मिली है। राहुल अब कांग्रेस को उसके पास ग्लोरी पर ले जा नहीं सकते हैं। वो अगर कर सकते हैं तो विपक्ष को कांग्रेस बना सकते हैं, जैसा कि शरद पवार ने कहा था नतीजों के बाद कि जो छोटी पार्टियां हैं उनको कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए या मर्ज हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक में मजाक उड़ाते हुए कहा था कांग्रेस का कि कांग्रेस को पिछले 3 चुनावों में कुल जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को इस चुनाव में मिली है। तो आपका जो कहना है कि या जो जनरल परसेप्शन है वो ये कि कांग्रेस को अपनी पास्ट ग्लोरी जो है वो प्राप्त हो रही है या हो गई है, कांग्रेस को नहीं हुई है। ये जो फिगर्स हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस को अपनी पास्ट ग्लोरी प्राप्त करने में अभी 2 चुनाव और लगेंगे। अब राहुल के सामने जो विकल्प है कि वो कांग्रेस की ग्लोरी के लिए काम करे कि विपक्ष की ग्लोरी के लिए काम करे, विपक्ष मजबूत करने के लिए काम करे। शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस की ताकत है अब, क्योंकि इन दलों के पास राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं है और राहुल उनके नेता हैं। राहुल अभी गए थे वहां रायबरेली, तो वायनाड भी गए, रायबरेली से वायनाड भी चले गए थैंक्स गिविंग के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और रायबरेली में उन्होंने ये कहा, जो 2-3 चीजें कही उसमें जो एक चीज का मैं जिक्र बाद में करूंगा, उन्होंने कहा कि लड़ाई अब शुरू हुई है, ये रायबरेली में कहा। और रायबरेली में यह भी कहा कि हमारे पास पार्लियामेंट में बहुत बड़ी सेना है। मुद्दा यह है कि मोदी को डिसलॉज करना चाहिए पहले कि कॉर्नर करना चाहिए पहले। प्रायोरिटी क्या है, मतलब मैं अगर उसको बहुत ग्रामीण भाषा में कहूं कि अगर किसी इमारत को डिमोलिश करना है तो सबसे पहले उसकी छत गिराना चाहिए कि दीवारें गिराना चाहिए? राहुल अगर छत गिराने में लग गए तो दिक्कत हो जाएगी, उनको दीवारें गिराना पड़ेगी, और वो गिरा दी उन्होंने तो उनका बहुत सारा काम हो जाएगा, पर उसके लिए थोड़ी सी 7-8 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हरियाणा में और महाराष्ट्र में इसी साल आखिर में चुनाव है, 4 महीने बाद जी, और उसके बाद अगले साल बिहार में है। मोदी जी की जो एक बड़ी ताकत है चंद्रा बाबू के अलावा, वो अलायंस की या सपोर्ट की इन्हीं राज्यों से आ रही है, अभी महाराष्ट्र से और बिहार से, और तीसरी बड़ी ताकत बिहार आंध्र है। आप देखिए कि मंत्रिमंडल में मैंने पहले भी कहा था कि जो मंत्री अभी इन्होंने बनाए हैं मोदी जी किस तरह से काम कर रहे हैं कि टोटल जो मिनिस्टर बनाए पूरे देश से उसमें से 25% उन्होंने केवल ये इन 3 राज्यों के बना दिए जो जिनके चुनाव हैं, जैसे हरियाणा के 3 हैं, महाराष्ट्र के 6 हैं, बिहार के 8 हैं। क्योंकि मोदी जी को पता है कि
उनकी दीवारें अगर खसक गई तो बीजेपी कोलैप्स परमानेंटली हो जाएगी। प्रशांत किशोर बाकी जगह फ्लॉप हो गए, पर उन्होंने एक चीज कही थी, उन्होंने यह कहा था कि बीजेपी को उत्तर और पश्चिम से 50-60 सीटों का गड्ढा होगा, पर उन्होंने यह कहा था कि इसकी भरपाई ईस्ट से और साउथ से हो जाएगी। उनकी पहली बात तो ठीक निकली, पर साउथ से और ईस्ट से वो गड्ढा पूरा नहीं हुआ। अब जो मोदी जी हैं, पूरा जोर भारत के पश्चिम में लगाएंगे, मतलब महाराष्ट्र में लगाएंगे, पूर्व में लगाएंगे मतलब बंगाल में लगाएंगे, और नॉर्थ में लगाएंगे मतलब उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, क्योंकि ये तीन जगह ऐसी हैं जहां से विपक्ष को सबसे ज्यादा मजबूती मिली है। आप देखेंगे जी, एक बहस अब ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा राहुल से कि आप विपक्ष के नेता बनी है, तो क्या राहुल विपक्ष के नेता बन जाएंगे? राहुल ने कहा मैं सोचता हूं, सोनिया गांधी को पार्लियामेंट्री पार्टी का दल का अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, राहुल ने कहा कि मैं अभी सोचता हूं। इस सोच में यह निहित है जो बहुत मुमकिन है कि राहुल विपक्ष के नेता नहीं बने, क्योंकि राहुल को अब सड़कों की लड़ाई लड़ना पड़ेगी और सड़कों की लड़ाई लड़ने के लिए माहौल पहले से ज्यादा राहुल के अनुकूल है। मतलब पहले थोड़ा सा एक उत्तर प्रदेश को लेकर या महाराष्ट्र को लेकर और बंगाल को लेकर और तमाम जगहों को लेकर एक मन में डाउट था, पर अब और ज्यादा अनुकूल हो गया है। राहुल ने रायबरेली के बाद, जैसा मैंने कहा, वायनाड पहुंच गए और वायनाड में उन्होंने अपने भाषण में एक चीज कही और रायबरेली में भी कही थी, उनको डायलमा है कि वो रायबरेली को रखें कि वायनाड को रखें, दोनों जगह तो रह नहीं पाएंगे। उन्होंने रायबरेली में संकेत दे दिया था कि वो रायबरेली को छोड़ रहे हैं। अगर आप रायबरेली का राहुल का भाषण सुने तो भाषण समाप्त करने के बाद वो एक बार फिर प्रियंका के साथ मंच पर, मतलब माइक पर आए और उन्होंने प्रियंका के बारे में कहा कि कितनी मेहनत की प्रियंका ने, और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास एक और आइडिया है मेरे पास, वो बाद में बताऊंगा। और वायनाड में उन्होंने कहा होप टू सीइंग यू अगेन। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूपी में कांग्रेस की लड़ाई का जो नेतृत्व है वो प्रियंका करने वाली है, और साउथ में और बाकी जगह देश में जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, लड़ना चाहिए, ये हाइपोथेटिकल है, मैं मतलब केवियट के साथ कह रहा हूं कि इसमें चेंज भी हो सकता है, वो राहुल को लड़ना चाहिए। प्रियंका गांधी ने 43 सीटों पर प्रचार किया इस दौरान, इस चुनाव में 43 सीट्स, और 20 पर उन्होंने जिताया, 20 सीट ही वन फॉर कांग्रेस, उनका जो स्ट्राइक रेट था 46% रहा जी। 2019 में जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे और चुनाव था तो प्रियंका के जिम्मे पूर्वी उत्तर प्रदेश था और उसकी 41 सीटें थी, 41, और बाकी सीटें
ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी वेस्टर्न यूपी। प्रियंका गांधी केवल एक सीट जीत पाई रायबरेली की, अमेठी की भी हार गई। रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा कि मेरी बहन अगर बनारस से लड़ती तो नरेंद्र मोदी को बनारस से 2-3 लाख मतों से हरा देती। ये जो पूरा बहुत सारी चीजें चल रही है, ये सरकार अभी गिरी तभी गिरी, कितने दिन चलेगी, डिबेट चल रही है और ज्योतिषियों के भी इसमें इंटरवेंशन हो रहे हैं। राहुल का मुकाबला ज्यादा चौकन्ने मोदी से होने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा, जिसको पहले वो फुर्ती से कपड़े बदलते थे, अब फुर्ती से पर्सनैलिटी में चेंज हो रहा है, उनके व्यक्तित्व को बदल रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा अपना थॉट प्रोसेस और प्रेजेंटेशन को ही चेंज कर रहे हैं। आपने देखा कि एनडीए की बैठक में कितनी कटुता के साथ उन्होंने विपक्षी गठबंधन का और कांग्रेस पर प्रहार किया जी, और मतलब ये जो ये था कि ये जिसको वो इंडी कहते हैं उसको इतनी सीटें मिल गई तो मोदी कमजोर पा रहे हैं या कमजोर हो गए हैं। मोदी कमजोर जरूर हुए पर वो उसको जाहिर नहीं होने देना चाहते। आपने जिक्र किया आरएसएस का के साथ संबंधों को लेकर, तो पूरा मामला अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है जो अपन ने बात की है। और इसकी रियलिटी एक ये है कि राहुल के पास अब नए अलाइज नहीं है जोड़ने के लिए, जैसे उड़ीसा में बीजेडी का पूरा सफाया हो गया है, एक अलाइज आंध्र में जगन की पार्टी हो सकती है जिनके 4 सांसद हैं, पर वो वाईएस शर्मिला चूंकि कांग्रेस में है और भाई का मतलब वो भाई से लड़ने ही आई थी कांग्रेस में, तो वो जगन रेड्डी का आना भी संभव नहीं है। तो हम जो उनके पास 4 सांसद हैं जी, तो कोई अब बचता नहीं है सिवा इसके कि जेडीयू टूटे, एकनाथ शिंदे टूटे, अजीत पवार टूटे, और तेलुगु देशम टूटेगी नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगी, क्योंकि हो सकता है कि वो पुरंदरी देवी को बना दें, वहां से भुवनेश्वरी देवी की बहन है, मतलब वो अपने टीडीपी के तेलुगु देशम के जो हैं बाबू उनकी वाइफ की बहन है वो, और वो जो हैं चिरंजीव वो जो जिनकी दूसरी पार्टी वो भी उनके साली हैं, तो इसलिए ये पारिवारिक मामला है। बाबू नहीं टूटेंगे और अभी ये नहीं टूटेंगे हमारे नीतीश कुमार, इनके लोग टूटेंगे बिहार के इलेक्शन के बाद। तो इसलिए जो अपना कंक्लूजन है मैं उस पर आता हूं कि अभी कुछ समय के लिए ये जो चर्चाएं हैं कि ये विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट, ये सरकार गिर जाएगी, मैं इसमें अभी मानकर नहीं चल रहा हूं कि ये लोग कुछ ऐसा करेंगे। अभी ये मान रहा हूं कि राहुल गांधी को अब ये काम संसद में नहीं होगा, अब सड़कों पर होगा, क्योंकि संसद में कैसे निपटना उसके आर्ट जो है मोदी जी ने सीख लिया है, तो इसलिए वो और स्पीकर ऐसा बनाएंगे कि वो उस आर्ट को आर्ट ऑफ लिविंग में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए अब जो लड़ाई है वो चलेगी। अभी मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के जो चुनाव हैं वो काफी कुछ तय करेंगे, और अगले साल महाराष्ट्र के जो अगले साल बिहार के जो चुनाव हैं वो इस कोलिशन में, एनडीए कोलिशन में लास्ट नेल का काम कर सकते हैं। तब तक इनको राहुल गांधी को कितना कॉर्नर कर सकते हैं, सरकार को कितना अनपॉपुलर कर सकते हैं जनता के बीच में, सड़कों पर कितना कर सकते हैं, वो करना पड़ेगा।
कांग्रेस का रिवाइवल जो है आशुतोष जी, जी वो जो पास्ट ग्लोरी जिसको आप कह रहे थे, 52 सीटों से 99 होने में 5 साल लगे, अब 99 से 200 होने में 5 साल और लगेंगे, और 200 से 272 होने में 10 साल लगेंगे। मोदी जी तो खुद ही उस समय तक चले जाएंगे। राहुल के पास उतना धैर्य नहीं है, राहुल के पास बिल्कुल धैर्य नहीं है, तो इसलिए ये लड़ाई आने वाले दिनों में बहुत गंभीर होने वाली है। और राहुल, प्रियंका, अखिलेश, तेजस्वी, ये जो उद्धव, रेवंत, डीके शिवकुमार, ये तमाम लोग जो हैं, और स्टालिन भी, ये जो टीम है अब यही कांग्रेस है, और अब इसका ही जो रिवाइवल होना है विपक्ष का वही होगा, और इसमें दरार नहीं पड़ना चाहिए। इन लोगों को पहले एनडीए की दीवार गिराने की कोशिश करना चाहिए, छत अभी नहीं गिराना चाहिए, छत में छेद जरूर कर सकते हैं ये लोग। जी, थैंक यू सर।